अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए रेसिपी लेके आ रही हूँ राजस्थानी, तो आप लोग को सभी को पसंद आएगी। तो राजस्थानी बाजरा की रोटी, मोठ की सब्जी और बाजरा की कढ़ी। तो आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैंने इस टाइप का दही लिया है, मेरा 1.5 लीटर दही है। अब मैं इसे घोटूँगी फ्रेंड, जिससे हम लोग दाल घोटते हैं इस टाइप से मैं इसका छाछ बनाऊँगी। इसका छाछ बनने के बाद, अच्छे से घोटने के बाद, मैं इसमें 1 लीटर 1.25 लीटर पानी ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड, इस टाइप से मैंने 1.25 लीटर पानी ऐड किया है और ये मेरा एकदम फर्स्ट क्लास छाछ बन के तैयार है। आपको तो छाछ बन के तैयार है। मैं इसमें 2 चम्मच बड़े चम्मच से बाजरा का आटा ऐड करी हूँ। अब मैं इसे भी अच्छे से दाल घोटनी से इसका पूरा विलोई कर लूँगी, इस टाइप से मिक्स कर लूँगी। तो इस टाइप से ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी फ्रेंड्स। देखिए मैंने इसमें स्वाद अनुसार, टेस्ट के अनुसार नमक का यूज किया है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा नमक ऐड हो चुका है इसमें। अब मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर का भी ऐड करी हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एकदम घोटनी से इसका विलोई कर लूँगी। इसे एक चलनी लूँगी प्लास्टिक की, उसके नीचे टोपियाँ रखी हूँ। अब मैं इसे अच्छे से छान लूँगी, क्यों इसमें जितने भी लम्स या गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो। अब ये मैं मोठ की सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने मोठ को इसे बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है 10 से 15 मिनट तक। अब मैं इसमें तड़का लगाऊँगी कढ़ी का छोंक। तो मैं कढ़ी का छोंक तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें मैंने 2 चम्मच का घी का ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं इसमें 2 चम्मच देखिए घी ऐड करी हूँ, 2 चम्मच है, थोड़े छोटे बड़े चम्मच से। अब मैं इसमें जीरा ऐड करी हूँ 1 चम्मच, 1 चम्मच राई, और मैंने इसमें 2 हरी मिर्च, 1 सूखी मिर्च, और साथ में मैं यहाँ पे यूज करूँगी हींग का। फ्रेंड्स देखिए मेरा ये फर्स्ट क्लास तड़का बन के तैयार। मीठे नीम पत्ते मैंने या कड़ी पत्ते का भी यूज किया है। अब फ्रेंड्स मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और साथ में मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड करूँगी। फ्रेंड्स देखिए ये मेरा फर्स्ट क्लास तड़का बन के तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मेरी अच्छी बाजरा की जो छाछ मैंने तैयार कर रखी थी कढ़ी। अब मैं इसमें छोंक लगाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए मेरा छोंक तैयार है, मेरी कढ़ी इसमें मैं छाछ डाल चुकी हूँ। और ये देखिए फर्स्ट क्लास एकदम तड़का कढ़ी का एकदम फर्स्ट क्लास तैयार है। अब मैं इसमें अच्छे से इसे एकदम सिझाऊँगी। कम से कम मैं इसे 15 से 20 मिनट तक इसे मुझे पकाना है, क्यों बाजरा मुझे अच्छे से सिझाना है फ्रेंड्स। अब मैं मोठ की सब्ज़ी बनाऊँगी। देखिए एक तरफ मेरी कढ़ी बन रही है, अब दूसरी तरफ मैं मोठ की सब्ज़ी, इसमें मैंने पान मेथी का भी यूज किया है फ्रेंड्स कढ़ी में। देखिए मोठ की सब्ज़ी में मैंने मोठ बॉयल करके छान लिया है। इसमें मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, काचरी पाउडर, सभी हर एक चीज़ मैंने इसमें मिक्स कर चुकी है। सभी आप कोई भी मसाला यूज कर सकते हो उसमें। मैंने इसमें पहले से ही मसाला ऐड कर चुका है। अब मैं इसमें देखिए मेरा फ्रेंड्स देखिए एकदम फर्स्ट क्लास मैं इसमें ये डाली हूँ अमचूर पाउडर। देखिए फ्रेंड्स मेरा तड़का भी एकदम तैयार है सरसों तेल में, तोरी के तेल, मस्टर्ड ऑयल में। मैंने इसमें हींग, जीरा, थोड़ा सा पचफोरन, ये सब मिक्स, एकदम फर्स्ट क्लास तड़का तैयार है। 2 मैंने हरी मिर्च का यूज किया है, थोड़ी सी मैंने कड़ी पत्ते भी यूज किए फ्रेंड्स, थोड़ी सी हींग का भी यूज किया है। अब मेरे जितने मूंग में मसाले मिले हुए, अब मैं इसमें पूरा छोंक लगा दूंगी। मैं इसे 8 से 10 मिनट तक इसे अच्छे से मसाला भुनने तक मैं इसे पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स मेरा मसाला अच्छे से एकदम मिक्स हो चुका है। मैं इसे हिलाऊंगी इस टाइप से, मैं इसे 8 से 10 मिनट तक फ्रेंड्स इसे पकाना है मुझे। फर्स्ट क्लास आपकी राजस्थानी मूंग की सब्ज़ी तैयार होगी। देखिए इस टाइप से मिलाना है, स्वाद अनुसार मुझे नमक ऐड करना है इसमें आपको टेस्ट अनुसार। देखिए फ्रेंड्स मेरी कढ़ी भी तैयार है सामने, और मेरा ये मूंग भी बन रहा है, दोनों तरफ बन रही है मेरी अच्छे से फर्स्ट क्लास राजस्थानी मूंग और कढ़ी। अब मैंने यहाँ पे मूंग भी ऐड किया है फ्रेंड्स इसमें कढ़ी में, 2-4 चम्मच, क्यों मूंग की कढ़ी बन रही है मोठ की, तो इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है कढ़ी में।
तो इधर साइड में मैं मूंग की सब्जी भी बन रही है मोटकी। तो फ्रेंड्स मेरी मोटकी सब्जी, फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से मेरी मोटकी सब्जी तैयार है, एकदम रेडी है, फर्स्ट क्लास कलर आया है, खाने में उतने ही टेस्टी। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं देखिए बाजरा का बाजरा की रोटी बनाने जा रही हूँ। साथ में मैंने बाजरा का आटा लिया था, मैंने बाजरा का आटा इस टाइप से लिया था। इसे पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मैंने इस टाइप का डो तैयार कर लिया है। अब मैं इसे छोटे लोई बना के इसके हाथों की सहायता से मैं इसे गोल गोल रोटियों के जैसे बाजरा की थेपले बनाऊंगी इस टाइप से। फ्रेंड्स तो देखिए मेरा इस टाइप से तैयार होगा, मुझे हाथों की सहायता से इसे, क्यों हाथों की सहायता से स्वाद बहुत टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स इस टाइप से मैंने गोल किया पूरे हाथों की सहायता से, मैंने यहाँ बेलन का यूज नहीं किया है, और मेरी फर्स्ट क्लास एकदम रोटी बन के तैयार होगी। फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से मुझे रोटी को गोल आकार में ऐसे देना है, और साथ में सूखा आटा भी छिटना कि ये अच्छे से घूम सके। फ्रेंड्स तो देखिए मेरी बाजरा की रोटी एकदम फर्स्ट क्लास बन के तैयार होगी इस टाइप से। यहाँ पे बाजरा की रोटी भी रेडी हो चुकी है, मैंने एक पहले से ही यहाँ पे आपको इसका सैंपल दिखाई हूँ इस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए बाजरा की रोटी ऐसे सभी को आती है, राजस्थानी है। देखिए मेरी बाजरा की रोटी एकदम तैयार है फर्स्ट क्लास। अब मैं इसे गैस में नीचे उतार के इसे ठीक ठीक आँच में, मीडियम आँच में इसे सेकूँगी इस टाइप से दोनों तरफ से, तो ये पक जाए। अब मैं इसमें घी लगाऊँगी। देखिए मेरी रोटी तैयार है फ्रेंड्स, इस टाइप से मेरी बाजरा की रोटी तैयार हो सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बाजरा की रोटी कैसी लगी, अच्छी लगे मूंग की सब्जी और साथ में बाजरा की कढ़ी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल में शेयर करके ज़रूर ऑल